आपको पता है बिजली कौन है? हम बताते आपको, बिजली सरकार की वो चरित्रहीन पुत्री है जो बिना बताए रात को घर से चली जाती है, कभी कभी तो रात को दो दो घंटे तक नहीं आती है, कभी कभी तो पूरी रात ही गायब हो जाती है, और अगर गलती से कभी कभार उसका बॉयफ्रेंड तूफान अगर आ गया तो फिर भाई साहब हफ्तों तक नहीं मिलेगी, हफ्तों तक नहीं आएगी। अरे बेबी सुनो ना, वो आपके पास पैसे हैं क्या? क्यों, मैं करोड़पति दिख रहा हूँ क्या तुमको? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, मेरे कोई फैक्ट्री लगी हुई नहीं है कि पैसे आते हैं और मैं आपको उधर उधर लुटाता रहूं। अरे कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए थे, वो अपनी पड़ोसन है ना पूजा, उसे चाहिए थे, उसको पैसे की जरूरत है। कोई नहीं, मैं उसको मना कर देती हूँ। अच्छा उसको चाहिए थे? रुको, मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो पड़ोसन हो जाए मेरी। जिंदगी जीनी हो तो मेरे तरह जियो, मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्यों जी रही हूँ। वो इंग्लिश में एक्सक्यूज मी कहते रहे थे और हम हिंदी में चलत कहकर निकल गए। आज का नया ज्ञान, दुनिया में सिर्फ आदमी ही मूर्ख होते हैं, इसीलिए मूर्खनी शब्द तो बना ही नहीं है। एक समय था जब रात के 11 से 12 बजे तक भूतों का राज हुआ करता था, और अब इन इंस्टाग्राम वाले ने, फेसबुक वाले ने और व्हाट्सएप वाले ने उनका धंधा भी खा गए। ये मई का महीना है ही बीजेपी वालों के लिए, इसीलिए मई से मोदी, ए से अमित शाह, वाई से योगी जी। फ्री बैठी थी इसलिए सोचा थोड़ा सा दिमाग भी चला लूं। हेलो बेबी, आप आज मुझे आई लव यू नहीं बोलोगे ना तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। मैं तो नहीं बोलूंगा। हाँ तो कोई नहीं, मैं आज मैदी नूडल्स खाते ही सो जाऊंगी। साला कुत्ता कमीना हो रहा हूँ, आई लव यू बोलने में भी घिस जा रहा है। मन तो करता है साले को फोन में घुसते मारे, पर क्या करे, रिचार्ज करवाता है ना इसी वजह से सहन करना पड़ता है। जिस दिन दूसरा बॉयफ्रेंड मिल गया ना साले के घोंट पे दे ना बराबर। डियर हनुमान जी, अब वक्त आ गया है, सूरज जी को भी खा लो।